नमस्कार दोस्तों, मैं राम, करियर रामबन के आज के एपिसोड में हम लोग सबसे लास्ट का अल्फाबेट देखने जा रहे हैं दोस्तों, यानी जेड। जेड फॉर जिलनेस, उत्साहपूर्ण होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दिए दोस्तों, ए से लेकर जेड तक 26 डिफरेंट अल्फाबेट्स, हर एक अल्फाबेट्स का इम्पोर्टेंस। आज तक हम लोगों ने करियर की ABCD जो है उसमें हर एक पार्ट में कुछ ना कुछ नया देखा है दोस्तों। आज की जो स्टोरी है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। जेड फॉर जिलनेस, उत्साहपूर्ण रहना दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है कि हम लोग लाइफ में हमारा जो उत्साह है वो देख के अपनी जो पूरी टीम है उसको एक प्रेरणा मिलनी चाहिए, अपनी जो फैमिली मेम्बर्स है उनको प्रेरणा मिलनी चाहिए। तो ऐसी एक स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। ये जो स्टोरी है वो एंटायरली डिफरेंट है, शायद आपने इसके पहले ये स्टोरी नहीं सुनी रहेगी। 1978 का एक जमाना था दोस्तों, इस साल में एक यंग लड़का की जो अपना करियर बनाने के लिए कोशिश कर रहा था, एक किसान के घर में पैदा हुआ लड़का कि जो अपना करियर बनाने के लिए पढ़ रहा था, अपनी जो बैचलर डिग्री है वो पूरा करने जा रहा था। लेकिन इसी टाइम पर होता है दोस्तों कि उसके तीन भाई और उनके पिताजी को एक गलत इल्ज़ाम में फंसाया जाता है, और वो गलत इल्ज़ाम में फंसने की वजह से पूरा प्रेशर, पूरा फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके ऊपर आता है, और वो सवाल पढ़ाई भी करना है, उनको भी उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है। जो पिताजी है उनके, उनके जो तीनों भाई हैं वो किधर तो भी गलत इल्ज़ाम में फंसकर उनको जेल में जाना पड़ता है। तो दोस्तों उस टाइम पे एक जिम्मेदारी इनके ऊपर आती है कि अपना एजुकेशन जो है वो किधर तो भी बाजू में रख के सबसे पहले तो कुछ तो काम धंधा और घर की जो रोजी रोटी है वो चलाने के लिए ये जो नौजवान है वो अपने कंधे पे चादर बेचने का बिजनेस चालू करता है। अलग अलग जगह पे जाके चादर बेचता है, महाराष्ट्र के डिफरेंट लोकेशंस पे, जहाँ पर आठवड़ा बाजार जिसको बोलते हैं कि हर हफ्ते में बाजार रहता है, वहाँ पर जाके चादर बेचने का काम चालू करता है। बहुत से बार तो ऐसे डिफरेंट बस स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो, वहाँ पर ये बंदा सोता है और एक अच्छा पैसा कमाता है। इसी टाइम पे जो न्यायालयीन लड़ाई है वो भी वो लड़ता है, और अपने पिताजी और भाई को एक कोर्ट की तरफ से न्याय दिलाने में सफल होता है। पिताजी और भाई किधर तो भी जेल से बाहर आते हैं। इनको एक अच्छी जिंदगी देने के लिए ये बंदा अपना जो बिजनेस है वो बिजनेस अपने भाइयों को देके फिर से पढ़ाई में लग जाता है, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करता है। पढ़ाई कंप्लीट करते करते दोस्तों उसका जो काम का तरीका है, उसका जो उत्साह है वो देख के बहुत सारे लोग वहाँ पर उसके साथ भी जुड़ जाते हैं, बिजनेस एक्सपांड होता है। ये जो चादर बेचने का बिजनेस होता है वो आगे चल के कपड़े भी बेचना चालू करते हैं, और बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है दोस्तों। ये यहीं पर रुकता नहीं है, पर उसका जो बैचलर डिग्री, उसके बाद ये बंदा मास्टर डिग्री भी कम्प्लीट करता है। मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद में इसकी जो उसका जो उत्साह है उसकी वजह से अब गवर्नमेंट जॉब भी तुरंत हासिल कर लेता है। लेकिन दोस्तों इसका मन गवर्नमेंट जॉब में की जगह से ज़्यादा इसका जो है वो बिजनेस में फोकस रहता है। बिजनेस होना चाहिए, इसलिए ये जब भी चादर बेचता था तभी ये बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, ऐसे अलग अलग जगह पर जब जाता था तभी ये देखता ही था कि वहाँ पर जो बच्चे हैं, जो अनाथ है, जिनको कोई संभालने के लिए नहीं है, तो उनके लिए अलग बिजनेस स्टार्ट करता है। और ये बिजनेस स्टार्ट करता है जो बिस्लरी बॉटल्स होते हैं, जो स्क्रैप होता है, जो भंगार होता है, वो जो उठाने वाले जो बच्चे रहते हैं उनके लिए बिजनेस स्टार्ट करता है। वो जो इकट्ठा करने वाले लोगों को ये न्याय देने के लिए अपना एक खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है, स्क्रैप का बिजनेस चालू करता है दोस्तों। तो स्क्रैप का बिजनेस चालू करने के बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा एक इसका जो लोगों का जो भीड़ है वो बढ़ते जाता है इसके आजू बाजू में, क्योंकि ये सबको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करता है। उसका उत्साह देख के बाकी लोग भी शामिल हो जाते हैं। लगभग 5 से 10 हज़ार लोगों को रोजगार देने का काम, सिर्फ उनको नौकरी देने का नहीं, तो नौकरी देने की जगह पे उनको खुद को एक अच्छा बिजनेस कैसा करना है, बिजनेस करते समय कैसे एफर्ट्स लेने, ये सीखा कि उनको खुद के अपने यूनिट्स डिफरेंट जगह पे खड़े करने के लिए सपोर्ट करना, ये इसका हैबिट बन जाता है दोस्तों। जो नौजवान मास्टर डिग्री कंप्लीट किया हुआ है वो इस स्क्रैप के बिजनेस में आ जाता है। बिस्लरी बॉटल्स जो जमा करते बच्चे, उन अनाथ बच्चों का एक प्रेरणा स्थान बन जाता है, उनको एक अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देने के लिए ये दिन रात एक कर देता है। 1978 का ये बंदा जब भी 1989 तक जब भी पहुँचता है तब ये खुद की कंपनी स्टार्ट करता है। उस कंपनी में भी लगभग जहाँ पर दिन में भी लोग जाने के लिए डरते हैं, उस एरिया में जाके खुद की अपनी एक प्लास्टिक की इंडस्ट्रीज खड़ी करता है।
दोस्तों ये संघर्ष है, संघर्ष करते करते आगे आगे बढ़ता है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये दोस्तों, जो लोग साथ में काम कर रहे थे उनको भी एक अच्छी जिंदगी देना, उनको भी एक अच्छे लेवल पे ले जाके बैठाना, उनको भी एक उद्योजक बनाना, ये इम्पोर्टेंट है। खुद उद्योजक होके दूसरों को सिर्फ नौकरी ना देते हुए उनको भी एक ऐसा यूनिट खुद का बिल्ड करके देना, इसको रियल स्टार्टअप कहा जाता है दोस्तों। ऐसे महाराष्ट्र के अलग अलग जगह पे इस बंदे ने जो उनके साथ जो काम कर रहे थे उनको स्टार्टअप करके दिया, अपने फैमिली को जो है वो अच्छे तरीके से डेवलप किया, उसके जो बच्चे थे स्क्रैप के बिजनेस में होते हुए भी उनको एक अच्छी पढ़ाई दी, और पढ़ाई देने के बाद में उनको भी इंजीनियर बनाया, वो भी आज मास्टर्स पीएचडी कर रहे। तो दोस्तों इसमें इम्पोर्टेंट ये कि बाहर जितना ध्यान दिया उतना ही अपनी जो फैमिली के जो अपने बच्चे उनके करियर के ऊपर भी ध्यान दिया। तो ये जो है उत्साह दोस्तों, ये उत्साह आज भी हम लोगों को देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो स्टोरी बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई ये मेरे डैडी की स्टोरी है दोस्तों। हम लोग तीनों भाई मिलकर आज जितना काम नहीं कर पाते उतना काम आज भी हमारे डैडी मॉर्निंग में 5-6 बजे उठकर करते हैं। उनका जो जोश है, उनका जो उत्साह देख के हमारी भी प्रेरणा बढ़ती है। तो दोस्तों आगे बढ़ना है तो उत्साह होना जरूरी। आज उनकी एज जो है वो लगभग 60 के आसपास है, लेकिन उनका जो उत्साह है वो एक छोटे बच्चे जैसा, 15 से 20 साल की उम्र के लड़के जैसा उनका उत्साह देखने जैसा है। तो उनके उत्साह की वजह से बहुत सारे काम हो जाते हैं। उनकी जो यशस्विता का जो मेन रीज़न है वो उनका उत्साह है। तो मैं हमेशा जो नौजवान है उनके साथ बहुत बार ये शेयर करता हूँ कि वो उत्साह अगर हमारे साथ रहेगा, जैसा मराठी में एक कहावत है, उरी ध्येय ज्वाला से पेटलेली अशांच्या करीला गती ना मशाली, रवि नित्य तेवे विना तेल वाट, अशांची असे शिवाजी जन्म जात। तो राजा शिव छत्रपती थे, वो शिव जो जन्म जात है, वो शिवाजी जन्म जात जो है वो अगर हम लोग ठान ले, वैसा अगर हम लोग काम करें तो डेफिनेटली अपना तो उत्साह बढ़ने वाला है, आगे चल के जो आने वाली जनरेशन है उत्साह उसका भी उत्साह बढ़ने वाला है। दोस्तों ये देखिए, इसमें मुझे बताना ही है, सिर्फ उसने अपने बच्चों को इंजीनियर नहीं किया तो अपने जो भाई है उनको एक अच्छा पॉलिटिकल स्टेज उन्होंने बना के दिया, उनके जो पिताजी है उनको एक अच्छा पॉलिटिकल स्टेज दिया, जो फैमिली मेम्बर्स है उनको अच्छी तरीके से सेट किया। आज बहुत सारे लोग उनको जो महाराष्ट्र के बाहर के जो भी बिजनेसमैन है वो उनके पास आते। ये बंदा इतने आगे बढ़ते गया कि जो गवर्नमेंट के डिफरेंट टेंडर्स रहते हैं उसमें ये चर्चा में रहा, जो शासकीय मुद्रणालय का जो टेंडर भरा जाता है जहाँ पे उसका नीलाम होता है वहाँ पे भी महाराष्ट्र के सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाला ये उद्योजक कहलाया जाता है। तांबडी माती पुरस्कार जो है वो पुरस्कार देके इनको सम्मानित किया गया। दोस्तों एक लड़का की जिसके पीछे कोई भी बड़ा बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन उसने आज जो अपने साथ जो करियर बाकी लोगों का बनाया, जिसकी वजह से आज जो उनके साथ थे, जिन्होंने वो संघर्ष के टाइम पे उनके साथ साथ दिया, उन सभी को साथ में लेकर आगे बढ़ना, ये उत्साह होता है दोस्तों। यही उत्साह बनाए रखने के लिए आप भी परिश्रम लेना जरूरी है दोस्तों। उत्साह बढ़ाइए, आप खुद उत्साहपूर्ण रहिए, दूसरों को प्रेरणा दीजिए। आइए था लास्ट का एपिसोड जेड फॉर जिलनेस। आगे चल के ऐसे बहुत सारे स्टोरीज आपके साथ शेयर करने की इच्छा है और वो मैं करते रहूँगा। अगला एपिसोड जो है वो कुछ अलग कंसेप्ट के साथ में हम लोग आपके सामने लाएंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करा और बेल आइकॉन वर क्लिक करून आमचे ताजे अपडेट्स मिळवा। धन्यवाद।